आप लोग सपोर्ट करो, जल्दी से जल्दी मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो जितना जल्दी हो सके गाइस, और माइलस्टोन तक पहुंचा दो गाइस, प्लीज गाइस प्लीज। इसका नाम है स्मार्ट स्ट्रीट। कपिल लोग ज्यादा है गाइस, तो हम क्या करें, हम तो सर सिंगल ही है। देखो सर कपिल बैठा हुआ है, मैं क्या करें इधर बैठ के। वो देखो क्या कर रहे हैं सब, गंदा बात मत देखो। कोलकाता में 10 डिग्री सेल्सियस चल रहा है गाइस, आप लोग को समझ में आ रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है तो देखो गाइस यहाँ पे। बस चाय के ऊपर से जितना धुआं निकल रहा है ना, उससे ज्यादा धुआं मेरे मुंह से निकल रहा है, इतना ठंडा है। My YouTube channel, you are watching Bengal Biker by Ronit. What's up, Kolkata? So guys, बहुत दिन से मेरा चैनल पे ब्लॉग नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत दिन से मैं ट्राई कर रहा हूँ ब्लॉग देने के लिए, कि guys मेरे को टाइम ही नहीं मिला है, बहुत बिजी शेड्यूल में पड़ गया, इसीलिए न्यू ब्लॉग नहीं आ रहा है। तो मैंने आज सोचा ब्लॉग इस चैनल पे डालूंगा, तो वही वीडियो में शूट करो, ये ब्लॉग हो रहा है ना, ये 2-3 दिन के अंदर आप लोग देख पाओगे। जल्दी से जल्दी फटाक से इसको एडिट करूंगा, एडिट करके मेरा चैनल पे डाल दूंगा। तो आप लोग अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी के अभी जाके मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बंगाल बाइकर बाय रोनित। इतना सा बाकी है एक माइलस्टोन अचीव करने में गाइस, प्लीज गाइस आप लोग सपोर्ट करो मेरा चैनल को, जो एक माइलस्टोन अचीव हो जाएगा। तो चलो गाइस चलते हैं, कहाँ जा रहे हैं आज? आज जा रहे हैं कोलकाता बुक फेयर, जो फेमस एक बुक फेयर होता है कोलकाता का, वहीं तरफ में हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि मेरा घर के पास में ही हो रहा है तो मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा हो सकता है क्या? तो चलो फटक से चलते। और एक बात गाइस, ये जो बुक फेयर हो रहा है ना, ये बुक फेयर हो रहा है 47th बुक फेयर इन कोलकाता, तो विजिट तो करना पड़ेगा। क्या खाना मिल रहा है वो देखना पड़ेगा, क्या क्या मिल रहा है, क्या हो रहा है ना रहे, पूरा डिटेल्स आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलो गाइस मिलते हैं सीधा मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे डायरेक्ट। सो मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे आप लोगों का स्वागत है। अभी टच करने वाला है मेन रोड, तो यहाँ पे आ गया सिग्नल, यहाँ पे रुकना पड़ेगा। ये हर एक दिन एक नडंकी है गाइस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम सिग्नल यहाँ पे गिरा रहता है। ऑलवेज रेड सिग्नल, जब भी आओ ना इस टाइम पे, ऑलवेज रेड सिग्नल, ऑलवेज रेड सिग्नल, नो ग्रीन सिग्नल रे बाबा, नो ग्रीन सिग्नल। सो गाइस बहुत टाइम रुकने के बाद सिग्नल ग्रीन हुआ है, और ये देखो आदमी कैसा कैसा कर रहे है। तो हम ले लेते हैं शॉर्टकट, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं सॉल्ट लेक के तरफ, तो मेरे को शॉर्टकट पता ही है। इतना सिग्नल के अंदर कौन जाएगा बाबा रे बाबा, इतना सिग्नल है गाइस। अभी बज रहा है 6:46, 7 बजने वाला है, बहुत सारा ऑफिस वगैरह छुट्टी होने वाला है, क्योंकि आज है मंडे, तो मंडे को तो बहुत सारा जैम यहाँ पे लगा रहता है, क्योंकि ये है पास में विधाननगर रेलवे स्टेशन। आप लोग जानते ही हो कितना खतरा स्टेशन है विधाननगर और दमदम, ये बहुत ज़्यादा खतरा है, तो बहुत लोग इधर से इधर ऑफिस जाते हैं, ऑफिस वगैरह करते हैं, बहुत सारा ऑफिस सॉल्ट लेक यहाँ पे न्यू टाउन के अंदर है ना, उनका घुसने देगा कि नहीं घुसने देगा, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है ना 7:00, क्योंकि बुक फेयर का टाइमिंग है 8 बजे तक खुला रहता है। तो चलो फटक से फटक चलते हैं सॉल्ट लेक के अंदर। अभी ऐसे सॉल्ट लेक गेट आ रहा है सामने, और इतना अरे बाबा कितना बड़ा बड़ा बम्पर दे दिया गाइस, बम्पर नहीं है, बम्पर के ऊपर रास्ता है कि रास्ता के ऊपर बम्पर है पता नहीं रे बाबा। तो इधर से ऑलवेज लेफ्ट टर्न फ्री है, तो हम लोग घुस जाते हैं सॉल्ट लेक गेट से सॉल्ट लेक के तरफ। तो घुस गए हम लोग सॉल्ट को, बाबा रे बाबा कितना बाजे रास्ता है, कितना खराब रास्ता है रे बाबा, इस सॉल्ट लेक के अंदर घुसने के लिए वेलकम कर रहा है इसे, दिस इज नॉट गुड गाइस, दिस इज नॉट गुड, कि जाओ ये जाओ कि जाओ, नहीं 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 नहीं, ए बचने का बहुत शौक है रे बाबा, अरे इतना हॉर्न मत दो, कहाँ जाओगे। अब लोग जरूर से जरूर मेरे चैनल को सपोर्ट करो, आज ब्लॉग कुछ अलग तरीके से बन रहे हैं बाबा, थोड़ा जाने दे भाई, ओ बाबा इतना बड़ा बड़ा मैन होल,
ऐसे कैसे चलेगा सॉल्ट लेक के अंदर भी इतना बड़ा बड़ा मैन होल। अरे देखो फिर से बम्पर है क्या बाबा? ओ बाबा क्या है ये गाइस? बाबा थोड़ा जाने दो, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा। फिर से रेड सिग्नल रे बाबा। चलो चलते हैं लेफ्ट के तरफ। ओ देखो गाइस उधर हो रहा है बॉय बुक फेयर। छोटा सा छोटा सा छोटा सा। अरे 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 बस। गाइस पार्किंग हो गया गाइस। अरे क्या कर रहे हैं गाइस, गंदा गंदा बात कर रहे हैं। तो चेक करो गाइस, मैं ऑलरेडी पहुंच चुका हूँ बुक फेयर पे, जो कोलकाता का बुक फेयर होता है। एक बार चेक कर लो गाइस। फोटो वगैरह देखना है तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी को जल्दी से जल्दी जाकर फॉलो कर लो, जो नीचे आ रहा है रोनित ऑफिशियल, वहाँ पे जाके अभी के अभी एक फॉलो कर लो, क्योंकि बहुत सारा फोटो सीरीज वगैरह मैं वहाँ पे डालते रहता हूँ। लोग अभी बुक फेयर को इधर उधर घूम रहे हैं, बहुत सारे स्टॉल वगैरह चेकआउट कर रहे हैं गाइस, तो अच्छे लग रहे हैं। और आज माहौल उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है, ऐसा ही ठीक है। बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है ना तो जैम के अंदर जाना मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो चलो सामने जाते हैं, मिल रहा है इस बार ना पूरा बुक से ही भरा हुआ है। इस बार बोल रहा है 1000 बुक स्टॉल है इसके अंदर, ज़्यादा है। खाना वगैरह तो मिलता ही है, तो इधर देखो क्या क्या मिल रहा है। चेक करो गाइस क्या क्या यहाँ पे मिल रहा है। नवोत्ति लाल खीर दोई, इसके आगे है यहाँ पे कश्मीर शोकेस, ड्राई फ्रूट वगैरह है। और छोटा मोटा एक स्टॉल है जो है आपको थम्स अप वगैरह, अब मोमो वगैरह मिल रहा है। यहाँ पे लॉरिक्स नॉटी रोल्स जो आइसक्रीम वगैरह मिल रहा है। हम लोग अभी एंट्री ले रहे हैं ऑडिटोरियम के अंदर। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो गाइस देख सकते हैं मैं ऑलरेडी यहाँ पे खड़ा हूँ, जो इंटरनेशनल बुक फेयर का एक गेट है, अच्छा खूब अच्छा बना है यहाँ पे। चेकआउट करो गाइस।
गिल्ड हाउस पब्लिशर एंड बुक से। गर्मी लग रहा है अंदर। सबसे मेरा ज्यादा अच्छा लगा गाइस, पूरा ईटा। नाइस गाइस, नाइस, वेरी नाइस। तो चलो अंदर थोड़ा चलते। ओहो, बंद कर दे रहा है क्योंकि टाइम हो गया, 8 बज गया, इसलिए मेरा क्लोज्ड। ओ देखो गाइस, मेट्रो जा रहा है ऊपर से और इधर हो रहा है बुक फेयर। जिन लोग मेट्रो से जा रहा है ना, ऊपर से पूरा बुक फेयर का मजा लेते हुए जा रहा है गाइस। सो गाइस, ऑलरेडी बुक फेयर घूमना कंप्लीट हो चुका है। इस बार क्या सीन है ना, इस बार बुक फेयर में उतना ज्यादा भीड़ भाड़ वाला सीन नहीं है। पता नहीं, आज है मंडे तो इसलिए हो सकता है भीड़ कम है। संडे या फिर सैटरडे आओ, भीड़ ज़्यादा मिलेगा। लेकिन इतना ठंड है ना कोलकाता के अंदर, अभी बोल रहे 11 डिग्री सेल्सियस होगा, इसीलिए शायद सब घर में चला गया, घर में घुस गए, कोई बोरीमेला में नहीं आया था। उतना अच्छा भीड़ नहीं है, लेकिन ठीक है, बहुत ही अच्छा बुक फेयर है। आप लोग जरूर से जरूर बुक फेयर को विज़िट करो, हर एक साल में एक बार ही बुक फेयर होता है कोलकाता में। प्लीज़ डू विज़िट द बुक फेयर। एंड चलो ऑटो लॉगिंग सेटअप पे फिर से बात करते हैं, देखते हैं कहाँ कुछ प्लान बनेगा। तो अभी चलूँगा न्यू टाउन की तरफ, इधर जाके चाय वाय पीऊँगा। आप लोग बनी रहिए वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक ठोक देना और कमेंट करना, ज़रूर कमेंट करना। बुरा हो अच्छा हो जो भी है, कमेंट करना ज़रूरी है। तो गाइस, पार्किंग से गाड़ी निकल लिया हूँ, उसके बाद मैं इधर का टाटा बाय बाय करके हम लोग अभी जा रहा है न्यू टाउन के तरफ। क्योंकि जो ठंडा का मौसम है ना गाइस, आज सुनाई दे रहा है कि 11 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे नीचे तापमात्रा जाएगा, मतलब टेम्परेचर जाएगा गाइस। तो वही ठंड को उपभोग करने के लिए हम लोग अभी जा रहे हैं न्यू टाउन के साइड, क्योंकि न्यू टाउन के साइड ना बहुत ही ठंडा पड़ता है गाइस। तो चलो मुंशी की तरफ जा सकते हैं या तो फिर विश्ववांगला गेट की तरफ। तो पहले चलते हैं न्यू टाउन की तरफ। अभी तो ख़त्म हो गया, 8:30 बज गया, बुक फेयर तो ख़त्म हो ही गया। अभी सब लोग निकल रहे हैं बुक फेयर से और थोड़ा भूख भी लगा है हम लोगों का, चाय भी पीना है, तो क्यों ना न्यू टाउन चले चाय पीने के लिए। तो चलो सीधा चलते हैं न्यू टाउन, कुछ फुटेज आप लोग एंजॉय करो। फलक तक चल साथ मेरे। हाथ पूरा बर्फ हो जा रहा है, बर्फ ऐसा लग रहा है ना, बर्फ गिर रहा है चारों तरफ, इतना ठंडा गाइस। कोलकाता में आजकल देखो कितना ठंडा पड़ रहा है भाई, चला के बहुत ही फन है गाइस, बहुत ही फन है। पीछे कितना सारा गाड़ी उधर फंसा हुआ है और मैं झिकझक करके पूरा सामने आ चुका हूँ, और वो लोग आएगा ना फिर एक बार सिग्नल रेड हो जाएगा। फ़ायदा ही गाइस, बाइक पे फ़ायदा। कोलकाता के अंदर घूमने के लिए एकदम बाइक ही सही है, ये बात तो मानना पड़ेगा। यहाँ के ना सीन पूरा अलग ही है, बहुत ठंडा सा मौसम है। अरे यहाँ पे बहुत सारा शूटिंग वगैरह होता है, देखो उधर भी हो रहा है कुछ उस साइड उस तरफ। इसका नाम है स्मार्ट स्ट्रीट। कपल लोग ज़्यादा है गाइस, तो हम क्या करें, हम तो सिंगल ही है। देखो सब कपल बैठा हुआ है, मैं क्या करें इधर बैठ के। वो देखो क्या कर रहे हैं सब, वो गंदा बात मत देखो। ओए ओए मोए मोए। ऑल राइट गाइस, हम लोग पहुंच चुका हूँ विश्ववांगला गेट के इधर। तो इधर कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक किया, उसके साथ कुछ रील्स वगैरह का ज़रूरत था, वो वाला शूट हम लोग ले चुका हूँ। और अभी क्या है ना, इतना ठंड लग रहा है इधर ना,
सीन पूरा ही खाली खाली है और इधर भी लाइट भी ऑफ हो चुका है। अभी टाइम हो रहा है 9 बजने वाला है और ठंड का मौसम ही बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, बहुत ही ठंडा है, बहुत ही ठंडा है। तो आई होप आप लोग वीडियो एंजॉय कर रहे हो। तो अभी हम लोग जाऊँगा न्यू टाउन का साइड, चाय वाय पीऊँगा, बनी रही हो वीडियो के साथ, फिर से मिलता है आप लोगों के साथ मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे और एक बार। सो गाइस ऑलरेडी हम लोग जा रहा है ना इको पार्क के तरफ, जब जा रहा है ना ठंडा और भी बढ़ते जा रहा है क्योंकि इको पार्क के साइड ना बहुत ही ठंडा ज़्यादा है गाइस। और इधर आज है 22 जनवरी, आज एक ऐतिहासिक डे है क्योंकि आज राम मंदिर उद्घाटन हुआ है। राम मंदिर उद्घाटन हुआ गए 500 साल बाद आज अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन हुआ है। एक हिस्टोरिकल डे है गाइस आज, तो हर एक जगह राम का पूजा पाठ हो रहा है, राम राम जी जय श्री राम सब कुछ बोल रहे हैं, बहुत पताका फ्लैग लगा हुआ है राम का ना, बहुत जल्दी है भाई 96 साल ना, इसीलिए बहुत जल्दी है। और ये दादा जा रहा है ना एरोक्स पे, और पीछे वाला जो बैग है उसके ऊपर एक हेलमेट चढ़ा दिया, मेरे तो फर्स्ट टाइम ऐसा लगा पीछे कोई बच्चा बैठा है, देखो एकदम ऐसा ही लग रहा है पीछे कोई बैठा है, कोई बच्चा पकड़ के बैठा है पूरा। प्लीज़ गाइस प्लीज़ सपोर्ट मी, इतना सा बाकी है एक माइलस्टोन अचीव करने के लिए गाइस, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करो, जल्दी से जल्दी मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जितना जल्दी हो सके गाइस वो माइलस्टोन तक पहुंचा दो गाइस, प्लीज़ गाइस बहुत ही ठंडा है। अब पूरा ग्रीन सब लोग चल रहे हैं, मेरा लग गया वाट, मैं चल रहा हूँ 44 पे, इधर का स्पीड लिमिट शायद है 50 और 40, देखना पड़ेगा गाइस। और इधर ना इस रास्ते पे बहुत सारा एक्सीडेंट वगैरह होता है, इतना सारा स्पीड लिमिटर भी है, सब कुछ है, उसके बाद भी इस रास्ते में बहुत सारे एक्सीडेंट वगैरह होता है क्योंकि ओवर स्पीडिंग। मेरा तो अब फट के हाथ में आ जा रहा है गाइस, इतना ठंडा लग रहा है गाइस, उसके ऊपर मेरा ग्लव्स भी नहीं है, समझ रहे हो ना बात, कितना ठंडा लग रहा है और कितना ठंडा सहना पड़ रहा है मेरे को। गाइस हम लोग अभी जा रहे हैं मुंशी के तरफ, अगर उधर नहीं जाए तो पूरा राइड ही कंप्लीट नहीं होगा। आप देखो पूरा फॉगी सा वेदर है, दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ है, और लग रहा है अब मैं कोई हिल स्टेशन पर राइड कर रहा हूँ, हिल नहीं है लेकिन ठंडा का मौसम इतना अच्छा है ना, ओहो कितना ठंडा रे गाइस। आप लोग कैमरा में फील कर नहीं पा रहे हो लेकिन मैं फील कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग का अंदर लगा सकते हो जैसा ऐसा हो रहा है, फील करो ठंडा को फील करो, मेरा तो फट के हाथ में आ जा रहा है इतना ठंडा है यहाँ पे। हम लोग अभी पहुँच चुका है मुंशी के एकदम सामने, आप लोग पता है जो बाइकर्स लोग है ना वो लोग तो जानते ही हो मुंशी होता क्या है। अरे आ गया हम लोग मुंशी पे, ये लो जी एक ऑडी खड़ा है यहाँ पे, और हमेशा मैं जब यहाँ पे आता हूँ ना इधर ही बाइक पार्क करता हूँ इस जगह पे, हमेशा जब भी आता हूँ इस जगह मेरे लिए खाली रहता है। सो गाइस हम लोग अभी है मुंशी टी स्टॉल पे, इधर आ चुका हूँ, कुछ चाय वाय पीऊँगा उसके साथ मोमो वगैरह ट्राई करूँगा। यहाँ पे ना हर टाइम बहुत सारा भीड़ लगा रहता है और बाइकर्स लोग के लिए तो ये एक ठेक है, ठेक सामने है थार। गाइस अभी हम लोग आए हैं मुंशी पे, मुंशी टी स्टॉल, अभी ट्राई कर रहे हैं मोमो, चिकन स्ट्रीम मोमो, स्ट्रॉ है ज़्यादा ज़्यादा स्ट्रॉ है, अच्छा है मोमो। और इतना ठंड का मौसम है ना मोमो खाने का मज़ा कुछ अलग ही लेवल का है, खा लेकर थोड़ा चाय वाय पीऊँगा। ये आ गया चाय लेके। तो भाई सीधा जब भी आता हूँ ना ये जो लेमन टी है ना बहुत अच्छे लगते हैं, पता नहीं आज कैसे लगेगा, लेट्स ट्राई, अच्छा है। तो भाई चाय के ऊपर से जितना धुआं निकल रहा है ना उससे ज़्यादा धुआं मेरे मुंह से निकल रहा है, इतना ठंडा है। तो चलो भाई चाय वाय पी लेते फिर चलते हैं घर की तरफ, रहने जा रहे हैं, बहुत ठंडा है बहुत ठंडा है गाइस, इतना ठंडा लग रहा है ना, तो मैंने सोचा थोड़ा सा रुक जाता है यहाँ पे और टेम्परेचर चेक करता है इधर का टेम्परेचर अभी कितना चल रहा है। सो लेट चेक इट गाइस, मोए 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 मोए
मोए मोए गाइस मोए मोए अभी चल रहा है 15 लेकिन ये अपडेटेड। और ये देखो गाइस रात 2 बजे ना इधर 11 डिग्री ओ माय गॉड 10 डिग्री कोलकाता में 10 डिग्री सेल्सियस चल रहा है गाइस। आप लोग को समझ में आ रहा है कुछ दिखाई दे रहा है तो देखो गाइस यहाँ पे अभी चल रहा है 15 रात में होगा 12-13 गिरते ही जा रहा है उसके बाद 11 उसके बाद 10 डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा गाइस। कितना ठंडा है गाइस 10-12 ओहो गाइस ठंडा का मौसम है लग रहा है ना अभी मैं लंदन में राइड कर रहा हूँ पहले ओ जा रहा है देखो पल्सर चीर फाड़ के जा रहा है गाइस पूरा चीर फाड़ के और इधर भी मैं तो चीर फाड़ने यही जाने वाला हूँ क्योंकि मेरे को बहुत ठंड लग रहा है गाइस। सो ऑलराइट गाइस मैं आ चुका हूँ घर वापस। बाहर इतना ठंडा था ना गाइस क्या बोलूं मेरा तो हालत पूरा टाइट हो चुका है गाइस इतना ठंडा है गाइस। तो जो भी हो मैं आशा करती हूँ इस वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो एक लाइक ठोक देना और कमेंट भी कर देना गाइस और फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कर देना। अगर आप मेरा चैनल पर नया हो और मेरा वीडियो देखते हो लेकिन अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरा चैनल को अभी जाके अभी सब्सक्राइब कर लो। तो चलो इस नोट पे करते हैं वीडियो को क्लोज, मिलते हैं अगला वाला वीडियो पे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, साइन आउट फ्रॉम कोलकाता वेस्ट बंगाल, टाटा बाय बाय।